तो हाँ जी फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं फोर्ड फिस्टा। इस गाड़ी में फ्रेंड प्रॉब्लम आ गई है। ये गाड़ी एक्सीलेटर लेने ने बंद कर दिया है और एक मीटर में ABS की लाइट आ रही है, मीटर में रीडिंग चली जा रही है, रीडिंग ब्लिंक हो गई है, ठीक है फ्रेंड। और एक एक्स्ट्रा स्पीडोमीटर नहीं चल रहा, ठीक है फ्रेंड। तो एक लो ब्रेक और लो का लाइट आ रही है, ठीक है फ्रेंड। इसमें तीन चार प्रॉब्लमें आ गई है एक साथ। तो अब हम इस गाड़ी को करने जा रहे हैं स्कैन। तो आपके साथ भी ऐसा कोई केस आ सकता है फोर्ड फिस्टा का, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ठीक है फ्रेंड। ये फोर्ड की गाड़ियाँ की प्रॉब्लम बड़ी बड़ी होती है, समझ नहीं लाती कभी कभी। तो ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो के साथ बने रहें एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना, ठीक है फ्रेंड। करते हैं स्कैन गाड़ी को, चलते हैं गाड़ी में, ठीक है फ्रेंड। अपनी इग्निशन ऑन। तो आप देख रहे हैं ABS की लाइट आ रही है, तो और मीटर में जो जो भी अक्षर है वो आ नहीं रहे, वो चले गए हैं। तो गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। ठीक है फ्रेंड, तो ABS की लाइट भी बंद नहीं हुई थी और एक्सीलेटर भी नहीं पकड़ रही, ये फुल पेडल दबाया हुआ है, ठीक है फ्रेंड। तो जो मीटर में रीडिंग है वो भी शो नहीं कर रही, वो भी ब्लैंक हो गई है। तो ABS की लाइट आ रही है, तो RPM की सुई एक एक जगह खड़ी है, वो भी नहीं काम कर रही, और ब्रेक ऑयल की लाइट आ रही है। ये हैंड ब्रेक डाउन कर दी तभी वो लाइट आ रही है, ब्रेक ऑयल लेवल लो की। तो ठीक है फ्रेंड, एक्सीलेटर पकड़ नहीं रही। अब इसने एक्सीलेटर पकड़ लिया, तो फिर एक्सीलेटर ने छोड़ दिया। कभी कभी एक्सीलेटर पकड़ती है तो कभी कभी पकड़ती नहीं, ठीक है फ्रेंड। करते हैं रीड फॉल्ट कोड। तो ये इसमें कोड आ रहा है फ्रेंड, जो मेन इसकी प्रॉब्लम का फॉल्ट है, ये जे वाला कोड है और एक ये वाला कोड है, ये नीचे वाला व्हीकल स्पीड सिग्नल। तो ठीक है फ्रेंड, मिसिंग कम्युनिकेशन विथ द ABS कंट्रोल मॉड्यूल। तो एक वाइक जब जो कोड क्लियर करते हैं तब ये इसमें रीडिंग आ जाती है। क्लियर करते हैं इसको, मैं यस करूंगा तो ऐसे वैसे ही रीडिंग आ जाएगी जी फिर मीटर में, ठीक है फ्रेंड। रीडिंग आ गई थी, एक्सीलेटर भी लेना शुरू कर दिया गाड़ी ने, तो रीडिंग चली गई, तो एक्सीलेटर लेना भी बंद कर दिया गाड़ी ने, ठीक है फ्रेंड। इसमें ये प्रॉब्लम है, ये एक्सीलेटर नहीं ले रही और ABS की लाइट आ रही है और ब्रेक का लो का लाइट आ रही है, तो ये कोड आ रहे हैं इसमें। तो जो हमने इसकी प्रॉब्लम चेक की है वो है इसके ABS मॉड्यूल में, ABS कंट्रोल मॉड्यूल में प्रॉब्लम है फ्रेंड। हमने इसकी सभी वायरिंग वगैरह चेक की है तो कहीं कोई और फॉल्ट नहीं मिला। तो जो ABS का मॉड्यूल ये लगा है फ्रेंड, ठीक है। तो इसकी सारी हमने वायरिंग वगैरह चेक की है, कैपरा निकाल के क्लियर साफ सुफ करके देखा, सब कुछ देख लिया, बट कोई गाड़ी सही नहीं हुई। तो अब हम इसका खोलने जा रहे हैं इसका ABS का मॉड्यूल। तो जो मेन जो फॉल्ट कोड आ रहे हैं, जो इसी में प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। जो मीटर में रीडिंग चली जाती है वो भी इसकी प्रॉब्लम है, और जो एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही तो जो वो भी इसकी प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको खोलने जा रहे हैं, फिर खोल के अब दूसरा सेकंड हैंड ले आएंगे, वो लगाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं वीडियो में फॉल्ट कोड क्लियर करके, और प्रॉब्लम जो भी फिक्स होगी वो आपको दिखाते हैं वीडियो में, ठीक है फ्रेंड। तो हाँ जी फ्रेंड, इसका हमने मॉड्यूल खोल लिया है, ये है इसका ABS मॉड्यूल जो जिसमें प्रॉब्लम है, ठीक है फ्रेंड। तो अब इसको लेने जा रहे हैं सेकंड हैंड। तो दे रहा है इसका पार्ट नंबर वगैरह, ठीक है फ्रेंड। तो इसी कारण ये गाड़ी एक्सीलेटर नहीं पकड़ रही थी और मीटर से रीडिंग ब्लैंक चली जाती थी। तो काफ़ी टाइम लगाने के बाद ये खुला है, बाकी इसकी वायरिंग वगैरह बिल्कुल ओके है। तो ठीक है फ्रेंड, अब इसको लेकर आते हैं और आपको दिखाते हैं फिट कर कर। तो हाँ जी फ्रेंड, हमने इसके फोर्ड के मॉड्यूल दोनों एक ले आंदा है, जो पुराने वाला सेकंड हैंड। तो ये रहा जो सेकंड हैंड हमने लेकर आंदा है, तो ये वाला इसका गाड़ी का पहले वाला जो ख़राब है, सेम पार्ट नंबर है दोनों का, ठीक है फ्रेंड। अब इसको लगे हैं फिट करने, ये पैपे वगैरह इसकी खोलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, इसको करते हैं फिट गाड़ी के साथ, और हमने कैपलर लगा के ओनली इसको चेक कर लिया, तो गाड़ी एक्सीलेटर ले रही है, ठीक है फ्रेंड।
बाकी आपको इसको गाड़ी पर फिट करके तो फिर लेते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव, तो फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हाँ जी फ्रेंड, इसकी ब्रेक का ABS मॉड्यूल फिट हो गया वा, पूरी सारी यदि फिटिंग हो गई है, बैटरी बॉक्स वगैरह दी सारे यदि पाइप वगैरह लग गया, सारी यदि वायरिंग कैपलर वगैरह लग गया, तो ABS मॉड्यूल भी फिट हो गया वा, तो ब्रेक की एयर भी निकल गई है, तो बाकी हुण बंद होने हैं जो ABS की लाइट आ रही थी, तो ब्रेक ऑयल की लो की लाइट आ रही थी, तो गड्डी एक्सलेटर नहीं पकड़ रही थी, ठीक है, जो मेन प्रॉब्लम सी एक्सलेटर नहीं पकड़ रही थी, तो तुम दिखाने हूँ हल्ट कोड। तो ABS दे वैसे एक फ्रेंड तुम दस देव, उस दिन वीडियो दस नहीं होया भी ये अपना ABS दे वैसे स्कैनर भी नहीं कनैक्ट हो रहा है, हम वो भी चेक करते हैं, तो करते हैं स्कैन फ्रेंड गड्डी, चलते हैं गड्डी के अंदर। ये है फोर्ड फिस्टा, जो वीडियो तुम्हें वधिया लगती तो प्लीज़ वीडियो लाइक करना फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आ जो रीडिंग आ शो कर रहा वा, तो करते हैं इग्निशन ऑन, ठीक है फ्रेंड। ABS की लाइट आ गई है, तो ABS की लाइट आके चली गई है, आप ब्रेक ऑयल की लाइट आ स्टार्ट होकर बुझनी है, जो हैंड ब्रेक सॉरी ब्रेक हैंड ब्रेक लगी है, तो ये पहला ये भी लाइट बंद नहीं हो रही थी, तो ABS की लाइट आ रही थी वो भी नहीं बंद हो रही थी, ठीक है फ्रेंड। ABS की लाइट वो पहला बंद नहीं हो रही थी, तो रीडिंग जो अपने चली जाती सी रीडिंग माइनस माइनस हो जाते सारे डाउट, ठीक है फ्रेंड। तो स्कैनर भी चलते हैं, आपां पहलां इहदा करदे आं सिस्टम सिलैक्शन। तो पहले तुहानूं होणा PCM पावर कंट्रोल इंजन, इंजन ते करदे आं, इंजन नूं स्कैन करदे आं फ्रेंड। ते पहला फ्रेंड आ ABS मॉड्यूल दे ABS नाल भी नहीं कनैक्ट हो रहा सी स्कैनर, उदां तुहानूं वीडियो दे विच दस नहीं पाया। तो करदे आं रीड फॉल्ट कोड, उपरले ऑप्शन ते करदे यस, की ऑन इंजन ऑफ, ठीक है फ्रेंड। उधर फैन ऑन हो गया जो आप इन क्लिक करते हैं, तो ठीक है फ्रेंड। आ गए दे फॉल्ट कोड, मिसिंग कम्युनिकेशन विथ VDM, मिसिंग कम्युनिकेशन विथ द ABS एंटी ब्रेक सिस्टम, ठीक है फ्रेंड। तो अपना वहीकल स्पीड सिग्नल ये अपना PCM दे विच आ रहा सी, पहला करते हैं कोड नूं क्लीयर, क्लीयर DTC, यस, ओके करते हैं, फैन चालू हो गया उधरों इंजन का, जो ये करते हैं, ठीक है फ्रेंड। नो DTC, ठीक है फ्रेंड, नो DTC आ गया। तो पहला तुम्हें देखा ही है वीडियो दो अपने ABS मिसिंग दे फॉल्ट आ रहा, तो सिग्नल स्पीड का फॉल्ट आ रहा, बैक करते हैं हम ABS मॉड्यूल स्कैन करते हैं फ्रेंड। ABS ये पहला दोस्तों स्कैन ही हो रहा थी, तो रीड फॉल्ट कोड करते हैं, की ऑन इंजन ऑफ ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है फ्रेंड, इनू क्लीयर करते हैं, यस, ओके, नो DTC, तो ठीक है फ्रेंड, लाइट चली गई है, तो गाड़ी स्टार्ट कर दें, इग्निशन ऑफ कर दें, ऑन कर दें, स्टार्ट कर दें, ठीक है फ्रेंड। ABS की लाइट भी चली गई है, तो सारी लाइटा चली गई, तो रीडिंग भी ओके खड़ी है, तो एक्सलेटर दें,
ठीक है फ्रेंड, पहले एक्सलेटर गाड़ी ले नहीं रही थी, गाड़ी एक्सलेटर ले नहीं रही थी, जो गाड़ी स्टार्ट करते उस टाइम ही गाड़ी एक्सलेटर लेंदी थोड़ा जा, तो बाद में एक्सलेटर बिल्कुल खत्म हो जाता सी, तो ले नहीं रही थी एक्सलेटर, तो ABS की लाइट भी आ रही थी, तो ब्रेक ऑल लो का लाइट भी आ रही थी, तो हुण कोई लाइट नहीं आ रही। तो एक बार फिर करते हैं रीड फॉल्ट कोड ABS मॉड्यूल नूं। नो DTC बैक, PCM कंट्रोल, PCM करते हैं पावर कंट्रोल मॉड्यूल स्कैन, करते हैं रीड फॉल्ट कोड, नो DTC। ओके फ्रेंड, ये जो यदि प्रॉब्लम सी ABS मॉड्यूल दी सी, ते जस करके गाड़ी एक्सलेटर नहीं ले रही थी, ते ABS दी लाइट आ रही थी, फिर बंद करके मार दे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, ये सी ABS मॉड्यूल दी प्रॉब्लम, ते ABS मॉड्यूल अपना चेंज कर देता वा, तो गाड़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल ओके हो गई है। ये सी फोर्ड फिस्टा, तो ठीक है फ्रेंड, अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल मेरे को सब्सक्राइब करना। ठीक है फ्रेंड, कमेंट करके ज़रूर दसना वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कोई कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो ज़रूर कमेंट करके आप इस वीडियो में बताना फ्रेंड। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं फिर कोई आगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट अपना जरूर करना फ्रेंड, ठीक है।